हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कैरी ऑन द टॉपिक रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। द पॉलिटिकल जो चेंजेस थे वो एक न्यू चेंज का सिंबल था। इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाइंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। इस टाइम पर या यह टाइम सोशल और इकोनॉमिक चेंज का टाइम था। अब वो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे भैया? वहाँ पर जो चेंजेज आ रहे थे उसी इसके साथ में जो लिबरल्स और कंजर्वेटिव रेडिकल्स की आइडियोलॉजी जो वहाँ पर आई, उसी आइडियोलॉजी के साथ में वहाँ पर लोगों के पास, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहाँ उस टाइम रशिया में आ गया था। तो रशिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी वहाँ पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी। तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ वर्कर्स, जो पुअर पीपल्स थे, वो वहाँ से जाने लग गए थे, वो शिफ्ट होने लग गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या क्या स्टार्ट हो गया बेटा, नए नए सिटीज स्टार्ट हो गए, नए नए टाउन स्टार्ट हो गए, बड़े बड़े शहर बसने लगे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉड मैन एंड वुमेन, चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, ये सभी फैक्ट्रीज की तरफ जाने लगे। वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वर वेरी पुअर। भी भाई वहाँ पर काम स्टार्टिंग था, किसी को पता था नहीं, ना किसी के पास वहाँ पर उस टाइम किसी को फैक्ट्री लॉ के बारे में पता था, कोई किसी तरह का लोन नहीं था। तो लोग वहाँ पर, मतलब काम के घंटे ज़्यादा थे, वेजेज बहुत, दिहाड़ी जो डेली की जो दिहाड़ी मजदूरी दी जाती थी वो बहुत कम था। एम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे जो पर्टिकुलर टाइम में कुछ एक टाइम होता था, उस टाइम पर तो सभी को कुछ, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको काम मिल जाता था, पर पर्टिकुलर हमेशा नहीं था, रेगुलर नहीं था। कुछ टाइम पर जैसे फैक्ट्री, जैसे मान लो कि भाई कॉटन इंडस्ट्री है या आपकी शुगर केन इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री है ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, जब शुगर आएगा 2-3 महीने बहुत ज़्यादा काम रहेगा, उसके बाद में उसमें काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पर। फिर जैसे ही अर्बन एरियाज़ की तरफ, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ लोग शिफ्ट होने लग गए थे, तो हाउसिंग, शिफ्टिंग, सैनिटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर दिखाई देने लग गई थी लोगों को, बहुत बड़े लेवल पर। छोटे छोटे घरों में लोग रहने लग रहे थे, जैसे आज के टाइम में जो हमारे कंट्री में जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ में जो एरिया कंडीशंस हैं, उस तरीके की लाइफ लोग स्पेंड करने लग गए थे वहाँ पर। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्च्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इशू। अब जो ये भाई लोगों का काम के घंटे ज़्यादा थे, उनको कम मजदूरी मिल रही थी, या वहाँ पर सैनिटेशन नहीं था, साफ़ सफाई नहीं थी, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट था, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए लिबरल्स और रेडिकल्स स्टार्ट हो गए कि भाई इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हालांकि दी मोस्ट, ये क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल अपनी खुद की, जैसे आपने ओपन अपनी इंडस्ट्री ओपन की, मैंने इंडस्ट्री ओपन की, तो इस तरह की अपनी खुद की इंडस्ट्री थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। भाई लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो ही, उन्हीं के पास में मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी, वो उस प्रॉपर्टी के ओनर थे और एम्प्लॉयर्स थे, वर्कर्स थे। ठीक है, हैविंग मेड देयर ब्रॉड ट्रेड थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, दे फेल्ट दैट द एफर्ट ऑफ टू बी एनकरेज एंड बेनिफिट्स वुड बी अचीव द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। यहाँ उनका जो फ़ायदा था, यहाँ उनका जो सोच थी वो चेंज हो गई, वो ये चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए, इट बेनिफिटेड वुड अचीव्ड एज ए वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी। वो किस तरह से अपनी इकोनॉमी, वो हेल्दी और सिटीजन अगर एजुकेटेड होंगे और हेल्दी, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए उनका ये बेस था। उन्होंने इन एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अनकरेज किया। यहाँ देखिए बेटा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु देमसेल्फ द ओपन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉय फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। वो इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज, उनके काम में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे कि वो ही हैं जो हमारे बेनिफिट को, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल आर एनश्योर्ड, द पुअर कुड लेबर दोज एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। उनके ये आइडियाज़ थे
कि यदि कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को एंश्योर किया जाए और यदि पुअर से मेहनत करवाई जाए या लेबर उनसे करवाई जाए यदि वह करता है, देन दोज विद कैपिटल ऑपरेट विद रेस्ट्रेंट, मीन्स वहां से सोसाइटी आपकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उनकी उनके एफर्ट से ही सोसाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। सम नेशनलिस्ट, अब यहाँ पर 1815 की बात आई है, 1815 के टाइम पर जो गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, जो 1815 है ये आपकी इटली की जो गवर्नमेंट थी, जिसे मेजिनी वाले टाइम को यहाँ पर पहले इन्होंने जिक्र किया है। ये क्या कह रहे हैं, सम नेशनलिस्ट लिबरल्स रेडिकल्स वांटेड टू रिवोल्यूशन, ये कुछ चेंजेस चाह रहे थे, रिवोल्यूशन चाह रहे थे, टू पुट इन द एंड इन द काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो 1815 तक यूरोप में जो सेटअप हो गई थी उस गवर्नमेंट को ये चेंज करना चाह रहे थे। अब वो चेंज क्या था, देखो, नेशनलिस्ट टोक्ड द रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट द नेशन, वो कैसी सोसाइटी चाह रहे थे, दैट वुड क्रिएट ए नेशन, जो नेशन, नेशन की डेफिनेशन देखो मैंने आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन में बताया था, नेशन मीन्स ए कॉमन आइडेंटिटी, ए कॉमन बिलोंगिंगनेस ऑफ द पीपल्स, भाई कॉमन आइडियाज हो, कॉमन वैल्यूज हो, कॉमन मतलब आपकी लैंग्वेज एक है, आपका मेजरमेंट का सिंबल एक है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है, हर एक सिंबल एक है, तो वो चीज आपके नेशन में आ जाता है, मीन्स कॉमन आइडेंटिटी जो आपकी है, कॉमन बिलोंगिंगनेस है जो है वो आपके नेशन में आ जाती है। तो ये नेशन वाली फीलिंग सब चाह रहे थे लोग वहां पर भी, वेयर ऑल द सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स, जहां पर सभी लोगों के पास में इक्वल राइट्स हो, आफ्टर द गिसेप मेजिनी इन इटली, इटली का यूनिफिकेशन ध्यान रखना किसने किया था बेटा, गिसेप मेजिनी ने, नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, उन्होंने भी ये बहुत अलग लोगों के साथ, कुछ और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश की कि भाई अब हम यहाँ पर इटली में भी नेशनलिस्ट या जो नेशन की वाली जो फीलिंग्स है वो ही लेके आएंगे, मीन्स हर जगह पूरे यूरोप में ये बातें आइडियाज कॉमन हो गए थे, ठीक है। कमिंग द सोशलिज्म टू यूरोप, सोशलिज्म जो वर्ड है, सोशलिज्म जो वर्ड है, ये वर्ड सोशलिज्म है ये यूरोप में कैसे आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मिड 19th सेंचुरी तक जो कॉमन वर्ड था जो सोशलिज्म, उसकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। हालांकि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, दे सॉ एज द रूट ऑफ द सोशल एविल्स, वो इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी को सभी बीमारियों की जड़ बताते थे कि भी सारे भी जो सोसाइटी की जो हमारी गंदी आदतें हैं वो यहीं से क्रिएट होते हैं, रादर देन द सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी दे वांटेड टू मोर अटेंशन वुड बी पेड द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। अब यहां से जो नया वर्ड आया है वो क्या वर्ड आया है बेटा, कलेक्टिव सोशलिज्म, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट की जो बातें थी वो आने लगी थी, और इसी को कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या था, कलेक्टिवाइजेशन जो वहां पर आया था वो क्या था बेटा, कि वहां पर भाई एक सोसाइटी है उसके सभी, उसके मान लो कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 50 मेंबर्स हैं, तो 50 मेंबर्स ही उसके ओनर्स हो गए और 50 मेंबर्स ही उसके वर्कर्स हो गए, वहां पर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई ओनर नहीं और कोई उसका वर्कर नहीं, ठीक है। तो इसी सोसाइटी में, इसी विजन में जो ये एक व्यू था, इस व्यू के विजन को विजन में, और किस किस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, रॉबर्ट ऑन भी वहाँ के बहुत बड़े मतलब फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया, यूरोप के रॉबर्ट ओवन, ये उसका टाइम था, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर साउट टू बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज कॉल्ड न्यू हार्मनी इंडियाना इन यूएसए, इंडियाना ध्यान रखना, इंडियाना है कभी इंडिया में हो या यूएसए में है, तो वहाँ पर इन्होंने ये एक न्यू हार्मनी नाम का जो इंडियाना जो एरिया था यहाँ पर उन्होंने एक ये कुछ सेटअप किया, और वो क्या चाह रहे थे भाई इस तरह का, कि भाई जो आपका ये कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अदर सोशलिस्ट, और उसके बाद में और भी सोशलिस्ट है, लुइस ब्लांक बड़ा फेमस है, वांटेड टू गवर्नमेंट टू एनकरेज अदर सोश कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस, वो क्या चाह रहे थे, किसको एनकरेज कर रहे थे, कोऑपरेटिव को, एंड रिप्लेस, रिप्लेस किसको रिप्लेस करना चाह रहे थे, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज, जो कैपिटलिस्ट थे उनकी जगह पर वो क्या लेके आना चाह रहे थे, लुइस ब्लांक भी
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दीज कोऑपरेटिव वर एसोसिएशन ऑफ द पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर। भाई ये सारे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन थे वो सभी गुड्स को इकट्ठे प्रोड्यूस करना चाह रहे थे एंड डिवाइड द प्रॉफिट, जो मैंने अभी बताया आपको, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। इस तरह की सोसाइटी में, सोशलिज्म में, ना तो कोई आपका ओनर है और ना ही कोई वर्कर है। ऑल हैव इक्वल राइट्स, इक्वल लॉस एंड प्रॉफिट सभी में होगा। कार्ल मार्क्स की एक बड़ी अच्छी बुक आई थी बेटा, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, और दास कैपिटल में उन्होंने भी यही बताया था, कैपिटलिस्ट के बारे में बताया था कि कैपिटलिस्ट है भाई कुछ एक लोगों के पास में पैसा है वो कंसंट्रेट हो जाता है, बाकी पूरी सोसाइटी है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकम पुअर। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, ठीक है, उनके आइडियाज भी इसी के अगेंस्ट में थे, मीन्स कैपिटलिस्ट के बिल्कुल एकदम अगेंस्ट में थे। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब उसके बाद में सोशलिज्म को किस तरह से सपोर्ट किया गया, इस सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यहां पर सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, मतलब 1817 के आसपास पूरे यूरोप में ये आइडियाज स्प्रेड हो गए थे। एंड इंटरनेशनल बॉडी वाज फॉर्म्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इंटरनेशनल बॉडी वाज फॉर्म्ड नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। सोशलिज्म के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था और उसका नाम क्या था बेटा, सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है, सोशलिस्ट के आइडियाज पर। वर्कर्स इन इंग्लैंड, अब देखिए वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर सोशलिज्म को सपोर्ट मिला और कहाँ पर किस तरह की चीज़ें क्रिएट हुई वो देखिए। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन, जो भाई बहुत अच्छे जीने के लिए लाइफ कंडीशन सही हो जाएं और वर्किंग कंडीशन सही हो जाएं। सेटअप टू फाइंड हेल्प मेंबर्स ऑफ दी, मेंबर्स के लिए ही उन्होंने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, बट उन्होंने आगे क्या किया, एंड डिमांडिंग ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, ये एक तो काम के घंटे कम करवाने के लिए और राइट टू वोट दिलवाने के लिए उन्होंने इस तरह का काम स्टार्ट किया। अब जर्मनी में, इन जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉन पार्लियामेंट्री सीट्स, इसका मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की है बेटा, जर्मनी की। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। लेबर पार्टी जो एट प्रेजेंट आपकी ब्रिटेन में पार्टी है वो कब सेटअप हुई थी बेटा, 1905 में। एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ये दो तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट पार्टी इन्हीं सोशलिज्म के आइडियाज पर बेस्ड है बेटा, ये आइडियाज यहाँ पर हम कह सकते हैं, हाउ यू कैन से देन सोशलिज्म एक्सपेंड इन यूरोप, या वैन सोशलिज्म एक्सपेंड इन यूरोप, तो कब हुए थे, क्या कैसे आप कह सकते हो सोशलिज्म एक्सपेंड हुआ था, तो आप ये बता सकते हो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी जर्मनी में सेटअप हो गई थी, लेबर पार्टी फ्रांस में हो गई थी, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने वो जो आइडियाज थे उनको रीशेप दिया, बट द गवर्नमेंट कंटिन्यू, वहाँ पर गवर्नमेंट ने ध्यान रखना ने कंटिन्यू किया, किसकी मीन्स गवर्नमेंट अभी भी किसकी चल रही थी, कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स की चल रही थी, बट आइडियाज किसके आ गए थे बेटा, सोशलिज्म के, ठीक है। और उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां से आई थी, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड में कौन से कंट्री में आया था, ब्रिटेन में, और उसी इसका मतलब भाई ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो वहीं पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई होगी, ठीक है, क्योंकि काम के घंटे इंडस्ट्रीज थी, काम के घंटे ज़्यादा थे, बहुत कम वेजेस थी, तो उसी के लिए भाई उनके काम के घंटे कम किए जाएं और वेजेस उनकी बढ़ाई जाए, इसी के लिए उनका इस तरह का ये कंडीशन, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद में वर्ल्ड लेबर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को हर साल, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट से यहाँ से हमारा रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। रशिया में किस तरह से रिवॉल्यूशन हुई, क्या उसका बेस है, तो अभी तक हम इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, चैप्टर का बेस यही है, आगे तो सिर्फ समझना है आपको, ठीक है।